वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। देखिए टेस्ट नंबर 62 है फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 एग्जामिनेशन के लिए। एक प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य है, पढ़ के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। जीएस पेपर उनकी टेस्ट सीरीज चल रही है, प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आती है। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। पहला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुने जाने पर व्यक्ति को अपने दल की सदस्यता से त्यागपत्र देना पड़ता है, उसका त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित होना चाहिए। बताइए कौन सा सत्य है लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में। तो उसका जो त्यागपत्र है, देखिए राष्ट्रपति को संबोधित नहीं करता है, वो गलत है स्टेटमेंट। जो अध्यक्ष होता है वो उपाध्यक्ष को संबोधित करता है, जो उपाध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष को संबोधित करता है। लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुने जाने पर व्यक्ति को अपने दल की सदस्यता से त्यागपत्र देना पड़ता है, ये भी गलत है। देखिए जो लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है वो अपने सदस्य संख्या में से तो एक होता है ना, उसी को मिलकर तो बनाते हैं, तो क्यों त्यागपत्र देगा वो उससे। तो गलत है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सेकेंड क्वेश्चन है, यह त्यौहार देवी कामाख्या की प्रजनन शक्ति की उपासना का प्रतीक है। यह भारत के पूर्वी भागों में प्रचलित तांत्रिक शक्ति पथ से निकटता से संबद्ध है। इस त्यौहार को पूर्व के महाकुंभ के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह समस्त विश्व से लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से कौन सी घटना का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है, बताइए। तो खीर भवानी मेला या राजा परवा या अंबुबाची मेला या त्रिपुताराट्टू, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। त्रिपुताराट्टू, अंबुवाची मेला, राजा परवा या खीर भवानी मेला। तो देखिए इसका आंसर है अंबुवाची मेला। क्या है? अंबुवाची मेला। तो देखिए अंबुवाची मेला वार्षिक रूप से आयोजित होने वाला एक हिंदू मेला या त्यौहार है। यह नीलांचल की पहाड़ियों में स्थित गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में आयोजित किया जाता है, नॉर्थ ईस्ट में, इम्पॉर्टेंट है। अब बाकी खीर भवानी देख लीजिए। खीर भवानी मेला कश्मीर की खीर भवानी मंदिर में आयोजित किया जाने वाला उत्सव है और ओडिशा में मनाए जाने वाले 3 दिवसीय राजा पर्वा, मासिक धर्म तथा नीरब का उत्सव है। तो ये हो जाएगा उड़ीसा में, ये हो जाएगा खीर भवानी जम्मू कश्मीर में, अंबुबाची मेला हो जाएगा कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी में, असम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कुछ अनिवार्य और कुछ स्वैच्छिक प्रावधानों को निर्धारित करता है, निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य प्रावधान है? राज्य वित्त आयोग का गठन अनिवार्य प्रावधान है। सभी पंचायतों के लिए 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल, देखिए ये भी इसका अनिवार्य प्रावधान है। संसद सदस्यों को पंचायत में प्रतिनिधित्व प्रदान करना, देखिए जो संसद के सदस्य होते हैं उनको पंचायतों में अगर प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए या नहीं किया जाए तो ये स्वैच्छिक है, ये अनिवार्य नहीं है, तो तीसरा गलत है, तो केवल पहला और दूसरा यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए सभी स्तरों पर पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए निश्चित किया गया, तथा किसी भी पंचायत के निलंबन की स्थिति में 6 माह की अवधि के भीतर नए चुनाव आयोजित किए जाने चाहिए। पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा हेतु प्रत्येक 5 वर्षों के बाद एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए, यह है अनिवार्य प्रावधान। अगला प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक है। देखिए गलत है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसका कारण बताया जाए। इसे प्रत्येक मंत्री के विरुद्ध प्रस्तुत किया जा सकता है, देखिए ये भी गलत है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का मतलब है सारे के सारे जो सदस्य हैं पूरा उनका त्यागपत्र, लोकसभा मंत्री परिषद के विरुद्ध होती है जिम्मेदार, इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये करेक्ट है और संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं, ये भी करेक्ट है। और अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 सदस्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, तो केवल तीसरा यहाँ पर सही होगा केवल। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो जिम्मेदार होगी वो लोकसभा के प्रति होगी। इसका अभिप्राय है कि मंत्रिपरिषद तभी तक बनी रह सकती है जब तक उसे लोकसभा के सदस्यों का बहुमत प्राप्त है। लोकसभा मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर पदच्युत कर सकती है।
अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कार्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित रत्नों पर विचार कीजिए। एक संवैधानिक कार्यालय है प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रशासकीय रूप से इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव द्वारा की जाती है। देखिए, जो प्रधानमंत्री कार्यालय है वो ना तो संवैधानिक कार्यालय है ना ही वैधानिक कार्यालय, गलत है। प्रशासकीय रूप से इसकी अध्यक्षता वो कैबिनेट सचिव द्वारा की जाती है, ये करेक्ट है, तो केवल दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, प्रधानमंत्री कार्यालय ना तो कोई संवैधानिक कार्यालय है और ना ही कोई वैधानिक कार्यालय है। इसे भारत सरकार नियम 1961 के अंतर्गत भारत सरकार के एक विभाग का दर्जा प्राप्त है। प्रधानमंत्री कार्यालय प्रधानमंत्री को सेक्रेटेरियल सहायता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरंभ राष्ट्रीय स्वास्थ्य संसाधन रिपोजिट्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत में सभी सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठानों की पहली स्वास्थ्य सेवा सुविधा रजिस्ट्री है। इसके फ्रेमवर्क की संकल्पना केंद्रीय स्वास्थ्य सूचना ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसरो इस पहल का प्रौद्योगिक भागीदार है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है बताइए। तो देखिए, सारे के सारे जो स्टेटमेंट हैं वो सही हो जाएंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य संसाधन रिपोजिटरी के बारे में, तो हो जाएगा इसका डी। रिवाइज करवा देता हूँ जल्दी से। देखिए, ये भारत में सभी सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठानों की पहली स्वास्थ्य सेवा सुविधा रजिस्ट्री है, मतलब इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के और निजी क्षेत्र के दोनों शामिल हैं। इसके फ्रेमवर्क की संकल्पना केंद्रीय स्वास्थ्य सूचना ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत की गई है। दो चीज़ याद रखिए कि ये सार्वजनिक क्षेत्र भी शामिल है इसमें, निजी क्षेत्र भी शामिल है, और जो इसकी संकल्पना है वो केंद्रीय स्वास्थ्य सूचना ब्यूरो के द्वारा है, और इसरो इस पहल का भागीदार है, प्रौद्योगिकी भागीदार है। डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहे कैटरीन एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य घोस्ट पार्टिकल के द्रव्यमान का अन्वेषण करना है। निम्नलिखित में से किस कण को घोस्ट पार्टिकल कहा जाता है? इस तरह के प्रश्न यूपीएससी करती रहती है। पहले बहुत पूछा था हिग्स बोसोन के बारे में, लेकिन यहाँ पर जो घोस्ट पार्टिकल कहा गया वो न्यूट्रिनो को कहा गया। किसको कहा गया? न्यूट्रिनो। सीधा सीधा पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कौन सा है घोस्ट पार्टिकल, तो वो है न्यूट्रिनो। अगला प्रश्न है, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संसद के दोनों सदनों के मध्य गतिरोध दूर करने के लिए राष्ट्रपति को सशक्त बनाने वाला एक सक्षमकारी प्रावधान है, करेक्ट है। इसे राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया जाता है, बिल्कुल है। राष्ट्रपति इसकी दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। संयुक्त बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत विधेयक विशेष बहुमत द्वारा पारित किया था, यह गलत है, साधारण बहुमत के द्वारा ही पास हो जाता है। तो फर्स्ट करेक्ट है और सेकंड करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा केवल एक और दो। अगला प्रश्न है, अटल भूजल योजना के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है, विचार कीजिए। इसका उद्देश्य भारत के सभी जिलों में भोजन प्रबंधन में सुधार करना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से कार्यान्वित की जा रही एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। देखिए, पहली बात तो सभी जिलों में नहीं हो सकती अटल भूजल योजना, क्योंकि होते होते ही होता है सब कुछ, आधार कार्ड नहीं है कि एकदम से सारे जिलों में हो जाएगा, वो भी आते आते है। आज की डेट में भी देखा जाए तो बहुत सारों के पास जो इंडिया के सिटीजन हैं उनके पास आधार कार्ड नहीं होगा। तो देखिए, जो अटल भूजल योजना है वो सारे जिलों में नहीं है, कुछ ही जिलों में है ये, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, और ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का इसमें कोई योगदान नहीं है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएंगे, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो देखिए, अटल भूजल योजना को जल संसाधन मंत्रालय ने देश के एक बड़े भाग में भूजल संसाधन की गंभीरता को संबोधित करने के लिए तैयार किया है। इस योजना का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी द्वारा देश के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में भूजल प्रबंधन में सुधार करना है। इस योजना के अंतर्गत चिन्हित क्षेत्र जो हैं या राज्य हैं, गुजरात हो गया अपना, हरियाणा हो गया, कर्नाटक हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश को सम्मिलित किया गया। कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बड़े बड़े स्टेट हैं सब। अगला प्रश्न है, एक मंत्री सदस्य नहीं हो सकता, सलाहकारी समिति का तो हो सकता है, संसद मंचों का भी हो सकता है, विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों का नहीं हो सकता, ये गलत है। तो नहीं हो सकता, तो फिर इसका नहीं हो सकता तीसरा, तो आंसर हो जाएगा केवल तीसरा। तो अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, 10 टेस्ट थे ये। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।